नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो पूजा वर्मा लेकर आई हूँ 18 जनवरी 2022 का राशिफल अपने टैरोस के द्वारा। करते हैं मेष राशि यानी एरिस की। आइए जाने एरिस के टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं हमें कल के लिए। एरिस वालों, कल के दिन हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, पॉजिटिव फील करेंगे। उसके बाद बात करती हूँ वेल्थ की। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाना तो एक सजेशन है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। आलस त्यागेंगे तभी जेब में कुछ माल आएगा। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं सूझबूझ की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अगर नाराजगी मनमुटाव रखेंगे तो वो चीज़ें कल के दिन बढ़ सकती हैं। बात करते हैं टॉरस यानी वृष राशि की। आइए जाने वृष राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। वृष राशि वालों, कल के दिन हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, सो कृपया करके अपना ध्यान रखिए। ठंड में ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े ज़रूर पहन के रहें। उसके बाद बात करती हूँ आपकी वेल्थ की। कल के दिन वेल्थ आपका अच्छा रहेगा, पैसा भी आएगा, काम भी बनेंगे, बहुत अच्छा प्रपोजल कोई कल के दिन आ सकता है। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस की वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। आइए जाने मिथुन राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों, कल के दिन थोड़ा सा नेगेटिव मन रह सकता है, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद बात करूं आपके पैसों की। कल के दिन सोचे समझे सारे काम बन जाएंगे, पैसा भी जेब में ज़रूर आएगा। बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो सकती है। बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। आइए जाने कर्क राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। कर्क राशि वालों, कल का दिन मिला जुला रहेगा, अच्छी खबर बुरी खबर ऐसी आ सकती है। हेल्थ में कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आप झेल सकते हैं। उसके बाद बात करूँगी आपके पैसों की। कल के दिन सोचा हुआ काम होने वाला काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में कल के दिन थोड़ी सी दरार आने के चांसेस हैं, सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि कहीं कोई कड़वी बात कही हुई आपको आगे तक प्रॉब्लम में ला सकती है। बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। आइए जाने सिंह राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। लियो राशि वालों, कल के दिन बहुत अच्छा रहेगा, माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की। तो डेफिनेटली कल के दिन किसी के प्रयत्न के द्वारा आपकी जेब में पैसे ज़रूर आएंगे। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। तो रिश्तों में कल के दिन थोड़ी सी नासमझी की वजह से नाराजगी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के बारे में। आइए जाने कन्या राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। वर्गो राशि वालों, कल के दिन हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है, पॉजिटिव फील करेंगे। उसके बाद बात करती हूँ पैसों की। तो कल के दिन पैसे कहीं ना कहीं स्पेंड्स ज़्यादा हो सकते हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्फर्ट जोन में रहेंगे तो रिश्ते कहीं बदल सकते हैं। बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आइए जाने तुला राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तुला राशि वालों, कल के दिन थोड़ा संभल के चलिए, चोट ना लगे, तबीयत खराब ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। उसके बाद बात करती हूँ पैसों की। तो कल के दिन आपकी जेब में पैसे आपके सोचे हुए काम ज़रूर बनेंगे। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग सकती है, तो अपनी नज़र का इंतज़ाम करके रखें। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए जाने वृश्चिक राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों, कल के दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत उमंग रहेगी, सारा दिन आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे। उसके बाद बात करती हूँ आपकी
काम की यानी कि पैसों की, तो डेफिनेटली सोची हुई प्लानिंग्स कामयाब होंगी। कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं पैसे तो डेफिनेटली आपको मुनाफा ज़रूर होगा। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में ग्रोथ 100%, रिश्ते आपके कल बहुत अच्छे रहेंगे। आइए बात करते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। आइए जानें धनु राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं। धनु राशि वालों, कल के दिन हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव एनर्जीज आ सकती हैं, अननोन फियर्स आपको परेशान कर सकते हैं। उसके बाद बात करती हूँ आपकी वेल्थ की, तो डेफिनेटली कल कोई ना कोई प्रपोजल आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है और सक्सेस मिलने वाली है। उसके बाद बात करती हूँ रिश्तों की, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा सा कुछ कहा हुआ किसी का बुरा लग सकता है, इग्नोर कीजिए, जाने दीजिए, मूड बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। आइए जाने मकर राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। मकर राशि वालों, कल के दिन थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, नेगेटिव फील भी करेंगे और कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बना रहेगा। उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की, ग्रोथ स्टार्ट हो गई है यानी कि कल के दिन सुबह से ही काम के प्रपोजल्स आ सकते हैं, लग्जरी की तरफ जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, कल का दिन अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद बात करूँगी आपके रिश्तों की, तेज़ी से यानी कि रिश्तों में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और अगर आप कल के दिन किसी को प्रपोज करना चाहते हो, वंडरफुल डे। बात करते हैं अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। आइए जानें कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों, कल का दिन कहीं ना कहीं अच्छा बुरा दोनों रहने वाला है, थोड़ा सा हेडेक भी फील करेंगे और शाम होते होते तक अपने आप को पॉजिटिव भी फील करेंगे। उसके बाद बात करती हूँ पैसों की, कल के दिन पैसे को सोच समझ के खर्चिएगा, ओवर स्पेंस करेंगे तो टाइटनेस आ सकती है। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में भी नासमझी से किया गया वादा आपको परेशान कर सकता है। बात करते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। आइए बात करें मीन राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। मीन राशि वालों, कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को बहुत दिनों के बाद लापरवाह फील कर सकते हैं यानी कि जो दिल करे वो कर सकते हैं कल के दिन। उसके बाद बात करूंगी पैसों की, तो कल के दिन पैसों का थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो डेफिनेटली रिश्ता कल के दिन बहुत मजबूत रहेगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।